दर्द सबके एक होते हैं, पर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश करके बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसलिए CLC जुड़े और आपके भी मार्क्स 100% बढ़ेंगे। सबसे पहले तो JCLC बोस को और CLC फैकल्टी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछली बार कलाम हॉस्टल से थी और मैं पहले पापा के साथ आई थी, तो ऐसे रोना सा आ रहा था कि CLC में, पिछली बार ही मैं CLC में थी नीट 2021 में, मेरा स्कोर 589 था। तो ऐसे होता ही है कि 595 पे कॉलेज मिल जाए और आप पीछे रह जाओ, तो पापा बोलेगी, मैंने पापा को बोला पापा मैं दोबारा नहीं करूँगी, फिर पापा बोलेगी एक बार ट्राई तो करके देख, फिर बोला तू चल कर मत, तू एक बार बॉस से मिल के आ जा। फिर पापा मुझे CLC लाए, फिर मैं बॉस से मिली, तो बॉस को बोला कि पापा ने बोला कि बॉस ने पूछा कि तेरा कितना स्कोर है, पापा ने बताया 589 है। फिर बॉस ने बोला तो तेरा स्कोर अब की बार और कर ले, तेरा 100 नंबर बढ़ जाएंगे। तो एकदम से ऐसे लग रहा था कि बॉस ने मिरेकल ही कर दिया, जादू सा लग रहा था कि ऐसा थोड़ी ना होता कि 100 नंबर बढ़ जाएंगे। तो मैं कलाम हॉस्टल में रही, मैं एक लास्ट में ना बॉस ने मेंटर बनवाए थे, तो मेरे मेंटर बाबूलाल सर थे, तो लास्ट में बाबूलाल सर ने बहुत मोटिवेट किया, बोला कि बच्चे आप ना एग्जाम में डरना मत बिल्कुल भी, और मुझे अभी भी डर लग रहा है। मैं पहले लाइव हुए थे ना तब भी मैं नहीं आई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा स्कोर इतना आएगा ही नहीं। मैंने पापा को भी 660 नंबर बताए थे अपने, कि मेरे पिछली बार 22 नंबर कम हो गए थे। फिर पापा बोले कि तू चल, बॉस बुला रहे हैं कि फ़ोन पे आया था CLC थे कि आप लाइव में आओ। फिर बोला नहीं पापा मेरे इतने नंबर थोड़ी ना आएंगे। फिर पापा बोले कि तो ठीक है तू बाद में चल लेना। फिर मैं अब आई तो एकदम से रात के 11 बजे आया था नीट का रिजल्ट, तो मैं सारे घर वाले सो रखे थे, मैं अकेली जग रही थी, मेरी दीदी बोल रही अब तो सो जा रिजल्ट पता नहीं कब तक आएगा तेरा, साइट भी नहीं खुल रही थी। तो फिर मेरा 11:50 से मेरा रिजल्ट निकला और मेरे 682 मार्क्स आए। फिर मैंने अपनी रैंक देखी ओबीसी की रैंक मेरी 151 आई थी। ऐसे एकदम से खुशी हो जाती है, तो नींद भी नहीं आती। और यहाँ पे बॉस हमारे एक मोटिवेशन का ऐसे था कि बॉस हर टेस्ट के बाद हमें मेडल पहनाते थे। तो ऐसे मैं मेडल लेके मैं हॉस्टल में जाती, तो हमारी कलाम हॉस्टल से थी, तो मैम हमेशा 9 बजे एंट्री लेने आती हम न, तो मैम बोलती अब आज तुझे मेडल नहीं मिला क्या, मैं बोलती नहीं मैम मेडल मिला है मुझे, तो मैम को बहुत खुशी होती थी। फिर मैडम मैंने सबसे पहले 12 बजे रिजल्ट निकला मेरा, तो मैंने मैम को बताया व्हाट्सअप पर कि मैम मेरे 682 नंबर आए हैं। तो मैम बोली एकदम से बोली तू तो 660 बता रही, तेरे नंबर इतने कैसे आ गए। मैंने बोला मैम पता नहीं ये तो कैसे आ गए। फिर मैम बोली अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा किया तूने। और लड़के लड़कियों जो तेरी तरह 589 नंबर पे, उनको क्या मैसेज देना चाहती है, एक लाइन में कोई मैसेज? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि दर्द सबके एक होते हैं, पर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश करके बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसलिए CLC जुड़े और आपके भी मार्क्स 100% बढ़ेंगे। बॉस से मिले, अब मैं बॉस से बात कर रही हूँ तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, इतनी मुझे कभी भी नहीं हुई सही में। थैंक यू बॉस, थैंक यू CLC, जय CLC।